लोग ने चतुर्थ पाठ पढ़ाई कर रहे थे आवाम युवाम। तो देखो अहम, अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। तो अध्यापिका, अध्यापिका का अर्थ क्या है? अहम अध्यापिका, मैं अध्यापिका हूँ, आवाम अध्यापिके, हम दोनों अध्यापिका हैं। फिर किम युवाम अध्यापिके, क्या तुम दोनों अध्यापिका हो। फिर गायिका, तो अहम गायिका, मैं गायिका हूँ, आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। किम युवाम गायिके, क्या तुम दोनों गायिके हो, क्या तुम दोनों गायिका हो। गायिका का अर्थ क्या है? गाने वाली स्त्री, है ना, जो महिला गाना गाती है उसको क्या क्या कहते हैं? गायिका। ठीक है, तो मैं गायिका हूँ, हम दोनों गायिका हैं, क्या तुम दोनों गायिका हो। फिर लेखिका, तो अहम लेखिका, मैं लेखिका हूँ। लेखिका का अर्थ क्या है? कि जो लिखते हैं, जो किताब वगैरह लिखते हैं उनको कहते हैं कि लेखिका, राइटर। तो लेखिके, हम दोनों लेखिका हैं। किम युवाम लेखिके, क्या तुम दोनों लेखिका हो। फिर बालिका, बालिका का अर्थ क्या है? लड़की। तो अहम बालिका, मैं बालिका हूँ, आवाम बालिके, हम दोनों बालिका है। किम युवाम बालिके, क्या तुम दोनों बालिका हो। फिर शिष्या, शिष्या का अर्थ क्या है? महिला विद्यार्थी। तो शिष्या, मैं शिष्या हूँ, मैं महिला विद्यार्थी हूँ। शिष्य, हम दोनों शिष्य है। फिर किम युवाम शिष्य, क्या तुम दोनों शिष्या हो। फिर धाबिका, धाबिका का अर्थ क्या है? दौड़ने वाली महिला, जो महिला रनिंग में पार्टिसिपेट करती है, दौड़ने वाली महिला, उसको संस्कृत में कहते हैं धाबिका। तो अहम धाबिका, मैं धाबिका हूँ, आवाम धाबिके, हम दोनों धाबिका है। किम युवाम धाबिके, क्या तुम दोनों धाबिका हो। फिर नायिका, नायिका का अर्थ क्या है? हीरोइन, है ना, मूवी में जो पार्टिसिपेट कर, जो रोल करते हैं हीरोइन, उनको क्या कहते हैं संस्कृत में? नायिका। तो अहम नायिका, मैं नायिका हूँ, मैं हीरोइन हूँ। फिर नायिके, हम दोनों नायिका हैं। फिर किम युवाम नायिके, क्या तुम दोनों नायिका हो।